अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ बाइक बीजे 40 प्लस का। साजगार ग्रुप ने कार को, बाइक को लॉन्च की है। ये साजगार के ही ब्रांड की गाड़ी है। फ्रंट से अगर देखा जाए तो टोटल ये गाड़ी आपको एक ऑफ रोडर की लुक देगी। फ्रंट से आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तो व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इस गाड़ी की हिस्ट्री की, तो तकरीबन 2020 में साजगार इंडस्ट्री ने, साजगार ग्रुप ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था और इसमें इसका फर्स्ट लुक रिव्यू भी आया था। लेकिन चूंकि प्रोडक्शन की, इनका कुछ प्रोडक्शन का इशू हो गया था, तो जिस वजह से इस गाड़ी का जो ऑफिशियली लॉन्च था वो 2021 के अंदर हुआ है। तो फाइनली अब साजगार ग्रुप ने इस गाड़ी को जो है रिवील कर दिया हुआ है। तो ओवरऑल फ्रंट से लुक, ओवरऑल इस गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो आपको एक बहुत बड़ी ह्यूज सी ब्रॉड सी लुक मिलेगी और ये प्रॉपर एक ऑफ रोडर गाड़ी है। इसमें आपको फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ी सी यू टाइप की आपको क्रोम में ग्रिल मिल रही है, साथ इसमें एक हनीकॉम टाइप का पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल रहा है। सेंटर पे आपको नज़र आ रहा होगा बाइक का एक लोगो आपको मिल रहा है और बहुत ब्रॉड सी लुक है क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडर 4x4 है और इसमें 2.0 का टर्बो चार्ज इंजन है, पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी में। अच्छा, दूसरा बात करें इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इस गाड़ी की अगर सबसे पहले बात करें फ्रंट हेडलाइट की, तो उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, बाइजिनॉन नहीं है, सिंपल हैं। साथ इसमें पार्किंग लाइट्स और लाइट्स की देखें तो बहुत एग्रेसिव लाइट्स हैं। अंदर आपको स्मोक एक टच मिला हुआ लाइट्स में और बहुत खूबसूरत हैं। गाड़ी के नीचे चलें तो गाड़ी में आपको बहुत खूबसूरत सी ये डे टाइम रनिंग लाइट्स नज़र आ रही हैं, साथ इसमें आपको ये LED फॉग लैंप्स भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसका थोड़ा प्रोसीजर बता दूँ कि ये फॉग लैंप्स रात में चलेंगे, लेकिन जब डे टाइम रनिंग लाइट्स इसकी ऑफ होंगी तभी ये फॉग लाइट्स चलेंगी, जो इसमें LED फॉग लाइट्स हैं ब्लू बाइजिनॉन। लेकिन जब गाड़ी ने दिन में चलना होगा तो सिर्फ ये डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन रहेंगी और ये जो फॉग लाइट्स हैं ये ऑफ हो जाएंगी। तो गाड़ी के ओवरऑल निचले बम्पर की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपको सिल्वर और ब्लैक के पार्टीशन के साथ बहुत खूबसूरत सा बम्पर मिला हुआ है। साथ नीचे आपको ये दो हुक बार नज़र आ रहे होंगे। ये गाड़ी क्योंकि ऑफ रोडर है तो अगर अक्सर ये होता है कि गाड़ी में आपको ये नीचे नज़र आते हैं, अक्सर ये हुक बार आपको गाड़ी में नीचे मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में फ्रंट पे तो मिले हुए। इनका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर गाड़ियों में आपको एक हुक बार मिलता है जो नीचे होता है, उससे कभी गाड़ी अपनी लेन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती। लेकिन दो हुक बार से ये होता है कि जो गाड़ी अपनी लेन है वो टोटली मेंटेन करती है, गाड़ी इधर उधर ड्रैग नहीं होती। ये इस गाड़ी बीजे 40 प्लस की साइड से लुक है और ओवरऑल आप साइड से देख रहे होंगे इस गाड़ी की, तो आपको साइड में काफ़ी ह्यूज और काफ़ी हाइट में भी ज़्यादा है और गाड़ी लेंथ में भी काफ़ी ज़्यादा और प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा ऑफ रोडर की लुक है। जो पुराने ज़माने में अक्सर जो जिप्सीज बनती थी, ये गाड़ी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार की हुई है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको ये नज़र आएगा कि इसमें जो इसकी रूफ़ है वो रिमूवेबल है, मतलब कि इवन कि जो इसके डोर्स हैं आपको साइड पर लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, इवन कि आप ये यहाँ से रिमूव करके इसके दरवाज़ों को, इसकी रूफ़ को टोटली रिमूव कर सकते हैं। और ये आपको ऊपर ये पार्टीशन सी नज़र आई होगी, ऊपर कार्बन प्लास्टिक जो मटेरियल है वो यूज़ किया हुआ है, तो टोटली जो इसकी छत है वो आप रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइड ग्लासेस की बात करूँ, साइड अगर मैं इस गाड़ी के साइड विंडोज़ की बात करूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले ज़माने में जिप्सीज में बहुत इतना ज़्यादा फैंसी नहीं चीज़ों का रखा जाता था, मेन उसकी जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी थी उसी के ऊपर फोकस किया जाता था, तो इन गाड़ी की जो बॉडी थी उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। उसी की आज अलग ये है कि आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हैं कि टोटली वो बहुत ही सिंपल स्क्वायर टाइप की, इतनी कोई फैंसी नहीं, और थोड़ी सी छोटी साइज़ की हैं। साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो गाड़ी में आपको क्रोम के बड़े अच्छे से, वैसे ही आपको जिप्सीज़ में भी स्क्वायर टाइप के थोड़े से ओल्ड फैशन टाइप के साइड व्यू मिरर्स मिलते थे, इस गाड़ी में भी आपको काफ़ी अच्छे से क्रोम के साइड व्यू मिरर्स मिले हुए हैं। साथ इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिले हुए हैं और साथ में आपको ये डोर स्टेप, क्योंकि गाड़ी हाइट में थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ी में आपको डोर स्टेप्स भी मिले हुए हैं और इसमें BJ 40 प्लस की लेबलिंग भी, आपको एक क्रोम की लाइनिंग नज़र आ रही होगी, इसमें BJ 40 प्लस की आपको लेबलिंग भी मिली हुई है। तो ये थी, अच्छा गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में आपको 17 इंचेस का डबल स्टार का कंपनी का टायर मिल जाएगा और इसका जो ट्रेड है वो भी टोटली ऑफ रोडिंग वाला है। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो 265 R 17 इंचेस का इस गाड़ी में आपको जो है वो रिम मिल जाएगा और बड़े अच्छे से डायमंड कट स्टाइल में इस गाड़ी के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल गाड़ी के साइड से लुक थी और 40 प्लस की बैक से लुक है, आपको बैक से भी नज़र आ रही होगी कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा
ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। अच्छा, इसमें ये सीन है कि जो आपको बैक पे स्पेयर व्हील नज़र आ रहा है, ये वो पहले आपको ये ट्रंक पे मिला हुआ है, जो पहले जो SUVs बनती थी उनके भी ट्रंक पे ही मिलता था, क्योंकि उनको रफ एंड टफ एक लुक देने के लिए, तो उसी लुक को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ तो उन्होंने ये जो व्हील है ये ट्रंक के नीचे देना शुरू कर दिया, क्योंकि बैक से SUVs के ऊपर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये चूँकि प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो इसकी वो लुक जो एक रफ एंड टफ वाली जो लुक होती है इसको वो बरकरार रखने के लिए इसके जो स्पेयर व्हील है उसको भी बैक पे ही प्लेस किया गया, नीचे नहीं दिया गया। इसमें आप ये बैक लाइट्स देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी आपको ये लावा लाइट्स नज़र आ रही हैं। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और इसमें आपको LED बैक लाइट भी मिलेगी, बड़ी खूबसूरत सी लाइट है। बैक पे बात करें तो बैक पे भी आपको गाड़ी में ये पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे, बैक पे आपको ये पार्किंग सेंसर्स भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। साथ आपको ये बैक बार मिला हुआ है, पुल बार है। इस तरह आप इसको गाड़ी को, अगर आपने, मैंने अभी बताया कि अगर आपने गाड़ी को कभी लेके जाना हो या किसी गाड़ी को टो करवाना हो तो उसके लिए ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे आई एम डाउटफुल कि इसमें ये जो रेड पेंट आपको नज़र आ रहा होगा ये मुझे इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगता, क्योंकि अक्सर आपने कोई रस्सी लगानी है, कोई बेल्ट लगानी है, तो उसमें ये पेंट का निकलने का खतरा हो सकता है, तो जिस वजह से गाड़ी की जो बैक लुक है वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मेरे ख्याल से कंपनी अगर ये नॉर्मल जो है ग्रे कलर गाड़ियों में आता है, क्योंकि हुक्स के कलर पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पेंट निकलना ही निकलना है, क्योंकि जब आप टो करोगे एक स्ट्रेच पड़ेगा तो डेफिनेटली जो वो यूटिलिटी या कलर कोई होता है वो वैसे भी नहीं मेंटेन होने वाला। तो मेरे ख्याल से ये गिमिक है कि कंपनी ने एक आई कैचिंग गाड़ी बनाने के लिए इस पर ये टच दी है। अच्छा, इसमें दो हिस्सों में गाड़ी बैक से डिवाइड हो सकती है, मतलब ओपन हो सकती है दो हिस्सों में, वो ऐसे कि ये एक आपको ये लुक मिल जाएगी गाड़ी में। ये देखें दो हिस्सों में गाड़ी इस तरह, और इसका जो ट्रंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। साथ अगर आपने मज़ीद कोई बड़ा सामान ऐड करना है तो उसके लिए ये जो इसकी बैक विंडो है इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। गाड़ी का बूट देख सकते हैं, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है। इसमें आपको जो स्पेयर व्हील एज यूजुअल जो है वो बैक में मिलेगा, और साथ अंदर जो है गाड़ी में टूल किट भी पड़ी हुई है। ऊपर गाड़ी में आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, बैक वाइपर मिल जाएगा, और चूंकि मैंने आपको कहा है और इस तरह आप इसको क्लोज कर सकते हैं। बैक पे आपको BJ40L की जो है लेबलिंग मिल जाएगी, बाइक का लोगो, और जैसा मैंने आपको कहा है कि गाड़ी टोटली ऊपर रूफ से ओपन हो सकती है। ये आप ऊपर बैक पे देख सकते हैं कि पूरी मैट ब्लैक फिनिशिंग ये आपको दी हुई है। अच्छा, इसमें स्टील इसकी रूफ में नहीं यूज़ हुआ हुआ, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि ये स्टील की छत नहीं है, स्टील की नहीं है, ये कार्बन फाइबर प्लास्टिक की ये छत है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो स्टील होता है आपको पता है वो इजीली रिमूवेबल नहीं होता, जबकि जो कार्बन फाइबर प्लास्टिक की जो फाइबर की चीज़ें होती हैं वो इजीली रिमूव, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, मजबूत भी होती हैं और इजीली रिमूवेबल भी होती है। सबसे पहले बात करें गाड़ी की कीज़ की, तो ये गाड़ी की कीज़ है, काफ़ी खूबसूरत कीज़ है और काफ़ी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी कीज़ है। इस गाड़ी की ये बाइक का लोगो मिल जाएगा, इसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और पैनिक बटन जो है ये मिल जाएगा, और काफ़ी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी कीज़ है ये। तो व्यूअर्स, हम गाड़ी के जो अंदर हैं BJ40+ के अंदर हम आ चुके हैं। तो गाड़ी में चूँकि ये प्रॉपर ऑफ रोड है, तो गाड़ी के अगर मैं लेग स्पेस की सबसे पहले अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो गाड़ी का जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सामने आप इंजन स्टार्ट स्टॉप मिला हुआ है, बड़े खूबसूरत से गोल एयर वेंट्स है। अब इनमें कुछ आपको ये नॉब्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ लेबलिंग नज़र आ रही होगी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको नीचे मिल जाएंगे इस गाड़ी के वॉल्यूम कंट्रोल, इसमें आपको 10.1 इंचेस का सिंपल सा एक स्क्रीन मिल रही है, एंड्रॉयड नहीं है, सिंपल सी है। अब हम चलते हैं नीचे चलें तो इस गाड़ी में आपको ये मिल जाएगा स्नो मोड, ये जो है बटन ये है स्पोर्ट्स मोड का, ये जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो आपको ये देखें सामने ये स्पोर्ट्स मोड ऑन हो गया, मतलब गाड़ी आप पूरे रेफ करेगी उसका, मतलब पूरे आप इसमें टॉर्क जो है मैक्सिमम गाड़ी से ले सकते हैं। ये देखें, अगर आपने इसको 4x4, अभी ये 4x2 पर है गाड़ी, अगर आपने इसको 4x4 पर करना है तो ये देखें 4x4 की लेबलिंग आ गई है कि पूरा 4x4 पे इस पर गाड़ी हो गई है। और अगर आपने इस पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है, ये देखें जैसे आपने, लेकिन ये 20 से या 40 से कम स्पीड के ऊपर आप इसको 4x4 कर सकते हैं, तो अगर फुल एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर करनी है तो इस तरह कर लेंगे तो ये प्रॉपरली आपको 4x4L जो गियर है ये शो कर देगी। नीचे चलें तो साथ आपकी गाड़ी में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा,
इसमें इसकी जो थ्रो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें मोड्स हैं, इसमें आप जो पैसेंजर और जो ड्राइवर है वो अपनी मर्ज़ी का जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ये एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है। गाड़ी की ट्रांसमिशन की तरफ चलें तो गाड़ी में आपको 7-speed CVT ट्रांसमिशन मिल रही है और ये ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन भी है कि मतलब कि ये गाड़ी का रिवर्स मोड है, ये आ गया ड्राइव मोड, ये आ गया न्यूट्रल और ये आ गया ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में आप इसको मैनुअल पे भी करके ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पार्किंग पे हो गई। नीचे चलें तो ये इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाएंगी, साथ ही अपने जो मीडिया कंट्रोल्स हैं आप अपनी जो स्क्रीन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स में रेडियो मीडिया ऑप्शंस, मेन्यू, पावर, जो सारे बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो आपको मिल रहे हैं। साथ आपको नीचे दो कप होल्डर्स, लाइटर आपको मिल रहा है। इसमें आपको बड़ा अच्छा सा ये आर्मरेस्ट मिल रहा है और काफ़ी ह्यूज सा, काफ़ी ब्रॉड सा आर्मरेस्ट है इसमें। साथ इसमें आप काफ़ी अच्छी सी आपको जो है वो स्टोरेज स्पेस नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी सी, और काफ़ी इसमें भी लेदर स्टिचिंग हुई हुई है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो ब्लैक कलर में बड़ा अच्छा से इसमें आपको फ्रंट डैशबोर्ड मिला हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा ये कार्बन फाइबर टाइप की फाइबर ब्लैक पे आपको ये फिनिशिंग मिली हुई है। यहाँ पे आपको ये स्टिचिंग मिल रहेगी, प्लास्टिक की फील आएगी, और यहाँ पे कार्बन फाइबर जो एक होता है ब्लैक में वो आपको मिला हुआ है। गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में आपको ABS ब्रेक्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये जो सारे बेसिक से ऑप्शंस होती हैं ये मिल रहे हैं। अच्छा, गाड़ी के साथ एक आपको एयरबैग, गाड़ी के स्टेयरिंग, गाड़ी में टोटल दो एयरबैग्स हैं, एक आपको ये स्टेयरिंग व्हील में मिल जाएगा और एक आपको ये देखें ये फ्रंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा। गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड के लुक एज अ ऑफ रोडर को देखें तो काफ़ी छोटा सा डैशबोर्ड है, इतना ज़्यादा स्पेशियस आपको फ्रंट से नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये ऑफ रोडर गाड़ी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार की हुई है, तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, साथ ये बात कर ली हमने इस कंपार्टमेंट की। बाइक भी जो 40+ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो माशाल्लाह गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें आपको ये डिफरेंट माइलेज शो कर रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं ये आपको किलोमीटर शो कर रहा है, इंजन, बैटरी की साइंस जितने भी होते हैं जो नॉर्मल हर गाड़ी में होते हैं वो शो कर रहा है। साथ आपको ये RPM मीटर जो है इसका वो शो कर रहा है, जो टोटली एक RPM मीटर है इसका वो शो करेगा। साथ टाइम, किलोमीटर्स और जो इसमें लेन असिस्ट का भी फीचर है वो भी आपको टोटली इसमें ये शो करेगा। अच्छा, इसमें साथ आपको कंपास भी मिली हुई है गाड़ी में कि आपने कितने, किस साइड पे, किस डायरेक्शन में आप गाड़ी आपकी खड़ी हुई है। साथ आपको ये जो है टेम्परेचर आउटसाइड वो शो करेगा, एंगल्स आ गाड़ी के टोटली वो शो करेगा आपको टोटली, ये सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। साथ इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो गाड़ी में आपको ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, इससे आप अपनी मल्टीमीडिया जो स्टेयरिंग है उसको कर सकते हैं ऑपरेट। साथ इसमें आपको ये वॉइस कैंसिलेशन जो एग्ज़िट का ये जो है, यहाँ पे बात करें तो ये वैनिटी शेड है और ये ऊपर आपको ये ऊपर वैनिटी मिरर मिल जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, एक मैं बात बताऊँगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इसकी छत है टोटली कन्वर्टेबल है, कि ये कुछ ये आपको हुक्स नज़र आ रहे होंगे तो आप इनको ओपन करके गाड़ी की जो टोटली छत है ये जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, गौर से देख लें, ये देखें आप, तो ये इनको आप ओपन करके ये देखें, ये इस तरह भी क्लोज हैं, तो इस तरह इनको ओपन करके ना आप जिसकी टोटली जो रूफ़ है ना इसको आप ओपन कर सकते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका स्टेयरिंग है। साथ आपको ये BJ40 की लेबलिंग मिल जाएगी। साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको ये लाइट एडजस्टमेंट्स की मिल रही हैं, साथ ही ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल गाड़ी में आपको ये मिरर्स मिले हुए हैं। अच्छा, साइड डोर्स की बात करें तो साइड डोर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। साथ इसमें ये सिल्वर सी ट्रिम पूरी चल रही है, सिल्वर सी ट्रिम चल रही है, साइड डोर्स हैंडल पे भी सिल्वर काम हुआ है। और अच्छा, गाड़ी के साइड की बात करें तो ये देखें पूरा हैंड स्ट्रिच डायमंड कट में ये लेदर यूज़ हुआ है और ये हैंड स्ट्रिच लेदर है और इसकी क्वालिटी भी, और ये 7D डायमंड कट में ये हैंड स्ट्रिच लेदर है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये साइड आर्मरेस्ट इस पर भी हैंड स्ट्रिच लेदर यूज़ हुआ है, तो ओवरऑल गाड़ी की व्यूअर्स जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है गाड़ी की। तो व्यूअर्स, हम गाड़ी के बैक सीट्स के ऊपर आ चुके हैं, तो अगर मैं बात करूं गाड़ी के लेग रूम की तो गाड़ी में काफ़ी अच्छा ये आपको लेग रूम मिला हुआ है और इसमें आपको ये बैक पे एयर वेंट्स मिले हुए हैं और यहाँ पे ऊपर ही आपको ये बैक पे वैनिटी लाइट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिसकी रूफ़ है ये रिमूवेबल है, तो ये ऊपर ये जो है ये कार्बन
ये कार्बन प्लास्टिक की ये पूरी बनी हुई है। अच्छा, इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स ये देखें, क्योंकि ये पूरा कार्बन फाइबर पे बना हुआ है। यहाँ पे ये फोमिंग सी इन्होंने की हुई है, और यहाँ पे क्योंकि ये ऑफ रोडर जिप्सी टाइप की लुक है, क्योंकि रिमूवेबल छत है, तो इन्होंने कोई स्टील का ग्रैब हैंडल नहीं दिया, ये इन्होंने ये प्लास्टिक की जो एक लेदर का ग्रैब हैंडल होता है ये इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ये एक रिमूवेबल छत है। अच्छा, बात करूँ इसके सीट के फोमिंग की, तो व्यूअर्स बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें फ़ोम यूज़ किया हुआ है। ये मैं बता दूं, इसमें लेदर और जो फैब्रिक दोनों क्वालिटी का, जो इसमें सीट्स में लेदर और फैब्रिक दोनों मिक्स करके जो है इसकी सीट तैयार की गई हैं, और काफ़ी सॉफ्ट हैं इस गाड़ी की सीट्स, और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही हैं। और बैक पे बात करूँ तो बैक पे काफ़ी आपको बड़ा सा ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा, इसमें दो ये कप होल्डर्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, गाड़ी के इंजन की तरफ चलें तो गाड़ी में आपको 2 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा। इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो 218 इसकी हॉर्स पावर है, और 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और ये गाड़ी के इंजन क्वालिटी की लुक देख सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में गाड़ी तैयार की हुई है, और आप में इसमें कुछ ऐसे वो बोल्ट्स वगैरह नहीं नज़र आएंगे, ये वो आपको प्रॉपरली, और इसमें ड्राई बैटरी का यूज़ किया हुआ है, और वाटा कंपनी की कोई बैटरी है, वाटा कोई इस तरह कंपनी की बैटरी है वो यूज़ की हुई है इसमें। उस्मान क्या आपका? अच्छा उस्मान, आप मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो इस वक्त कितनी है? ये अभी ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, लेकिन ये 70+ होगी। 70+ होगी, अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि डिलीवरीज भी मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को तो कोई ना कोई इनवॉइस मिली होगी, तो उसके ऊपर डिलीवरी ले रहे हैं ना? नहीं, ये असल में कुछ कंपनी की तरफ से उन्होंने कुछ लोगों को डिलीवरीज दी हैं, अलॉट की हैं, अभी ये डीलर्स के थ्रू बुकिंग नहीं खुली। डीलर्स के थ्रू, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि जो इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो डीलर्स के थ्रू ओपन हो जाएगी? ये इंशाल्लाह इस मंथ एंड तक या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो इस गाड़ी पे अगर बात करें इस गाड़ी की, मतलब ये प्रॉपरली लॉन्च तो हो चुकी हुई है? ये CKD है, यहाँ की बनी हुई है। अच्छा, लोकली असेंबल्ड साज कर के असेंबल्ड है। अच्छा, अगर बात करें इस गाड़ी के अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर ये असेंबल हो रही है, तो हवाल जूलियन भी आपकी है और बाइक्स जो BJ40+ है ये भी आपकी है, तो अगर बात करें इसके अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की तो वो कैसी है? अवेलेबिलिटी बिल्कुल यहाँ होगी, क्योंकि ये यहाँ CKD है, यहाँ बन रही है, तो ये पार्ट्स में ही आई है और यहाँ असेंबल हुई है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ आए हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। तो अच्छा, बाकी बात करें इसमें इंजन ऑयल की, तो वो जो है साजगर कौन से रिकमेंड करती है इसमें इंजन ऑयल जो है इसमें? इसमें डिफरेंट ऑयल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो करते हैं, 530 है जो इसमें रिकमेंडेड है। और ब्रांड कौन सा, शेल हो गया, वो रिकमेंड करते हैं जिसका फुली सिंथेटिक और अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो? वो कुछ भी हो सकते हैं, हम एक कंपनी है मैग्नम के नाम से, ये जर्मन ऑयल है, तो ये हम रिकमेंड करते हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी में बेहतर है। और इसकी जो माइलेज है कितने थाउजेंड बाद आपने इसको रिप्लेस करवाना है? ये 5000 किलोमीटर। उस पे चेकिंग में क्या क्या होता है? 5000 सिर्फ ऑयल चेंज होता है, गाड़ी की इंस्पेक्शन 1000 पे करते हैं आप? जी, एक होती है फ्री इंस्पेक्शन, वो 1000 पे होती है, और उसके बाद एवरी 5000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज होता है। अच्छा, ठीक है। फिर आगे 10,000-15,000 के बाद और भी एयर फिल्टर और बाकी चीज़ें आस्ते आस्ते शुरू हो जाती है। अगर बात करें इस गाड़ी के अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की, मैंने देखा है गाड़ी प्रॉपर एक ऑफ रोडर है, मतलब कि एक मैंने देखा था कि पुराने टाइम एक जिप्सीज बनती थी, वो भी उनकी भी वो जो रूफ थी वो रिमूव हो जाती थी और उस तरह चलती थी, लेकिन वो ओल्ड फैशन थी। आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी टोटली वो है, ये उसकी एक नई जनरेशन है, वरना कॉन्सेप्ट बिल्ड कॉन्सेप्ट टोटली हुई है। लेकिन उसमें थोड़े से लग, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से थोड़े से उसमें फीचर्स को भी ऐड कर दी, जैसे एयर बैग हो गए, उनमें पहले एयर बैग नहीं थे, ABS ब्रेक्स इसमें दे दी, उनमें पहले ABS ब्रेक्स भी नहीं हुआ करती थी, तो मतलब ये नए टाइम की ही जिप्सी है। दूसरा मेरा सवाल था कि इसके इंजन वारंटी कितनी जो है साजगर क्लेम कर रहा है? जी, ये है 3 years और 100,000 किलोमीटर्स, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। ओके, मतलब कि जो इसमें आप पेट्रोल इंजन के साथ साथ इसमें अक्सर कुछ गाड़ियां टर्बो आती थी, उनमें नॉकिंग का बहुत ज्यादा इश्यू आता था इंजन के अंदर, क्योंकि वो कहते थे कि टोटली आपने हाई ऑक्टेन के ऊपर ही गाड़ियां चलानी है, तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि हाई ऑक्टेन पे ही ये टोटली करेगी कि ये नॉर्मल फ्यूल पे भी इजीली ये चलेगी? बिल्कुल,
जी ये नॉर्मल फ्यूल पे चलेगी, मैंने खुद इस पे नॉर्मल फ्यूल डाला है और मैंने चलाई भी है और कंपनी भी रिकमेंडेड है और कोई नॉकिंग नहीं करती है, कोई इशू नहीं है, कोई इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल आज एक कस्टमर ने बुक करवाई है तो उसका बुकिंग टाइम कितना हो सकता है, मतलब कितने टाइम के लिए वेट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक ओपन होगी बिल्कुल वो कर सकते हैं, लोकली मेड कार्स जो है वो बैंक फाइनेंसिंग गवर्नमेंट अलाउ करती है। अच्छा, तो वो हो सकती है, बिल्कुल हम फैसिलिटेट करवा सकते हैं। कौन कौन से बैंक जो आपको एक इजी ऑफर मतलब एक अच्छी फाइनेंसिंग के ऊपर आपको गाड़ी दे सकते हैं, तो वो कौन आपकी कोई बैंक्स के साथ ऐसे लिंक्स आपके हैं? बिल्कुल है, हमारी मिजान बैंक, अलबरका बैंक और भी बैंक्स के साथ हमारी अरेंजमेंट है, तो हम उनके पैनल पे हैं, तो उनके थ्रू फाइनेंसिंग हो सकती है, उनके थ्रू फाइनेंसिंग हो सकती है और आपको गाड़ी। अच्छा, मैंने देखा है कि वैसे अगर नॉर्मल एक गाड़ी का डिलीवरी टाइम होता है तो वो 4 to 6 months आपने कहा, लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग के थ्रू लें तो मैंने देखा कि गाड़ी आपको थोड़ी सी पहले ही मिल जाती है। वो होता है कई दफ़ा अगर बैंक्स और मैन्युफैक्चरर की अगर आपस में कोई एग्रीमेंट है तो वो पहले भी दिलवा सकते हैं, पहले भी दिलवा, मतलब जैसे आपने कहा कि आपका मिजान बैंक के साथ है तो फिर आपको उनके साथ डेफिनेटली एग्रीमेंट होना है, बिल्कुल, मतलब लेकिन अगर कोई फाइनेंस के थ्रू लेता तो उसको इतना वेट नहीं, मतलब कि 1 month का या 1.5 month का जो टाइम है उसका वो कम हो जाएगा, हो सकता है। मैंने ऐसा देखा कि आपको फाइनेंसिंग थ्रू गाड़ी आपको काफी पहले मिल जाती है, ऐसे बिल्कुल मैंने भी देखा है जिनकी अरेंजमेंट हुई हुई है वो पहले दिलवा रहे हैं, प्लस हम इस डीलरशिप पे कार रजिस्ट्रेशन और कार इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, रजिस्ट्रेशन कार इंश्योरेंस भी। जी, तो इंश्योरेंस कितने पैकेज से स्टार्ट हो रही है इसकी, हमारी आपको कितना करवाना है? रफली कोई 2-2.5% पे हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, और अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बाजू में बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपने BG40+ के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आप मुल्तान रोड से 13 किलोमीटर अवे पे ये हवाल का शोरूम है, प्रॉपर डीलरशिप आपको मेन रोड के ऊपर नजर आएगी, वहाँ पे उस्मान नून ये CEO है, यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके मजीद अगर कोई मालूम आता, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी आप कोई बात होगी या ऐसा कोई सवाल होगा जो आपका रह गया होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, क्योंकि प्राइस अभी तक रिमेन नहीं थी। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट रिव्यू में, अपने और अपने घर वहाँ के लोगों का ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।